गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार गाइस, आज साल का आखिरी दिन है और ये साल का आखिरी व्लॉग है, तो उसके साथ मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं। और आज भी रक्षित भैया भी आए हुए हैं। रक्षित भैया मेरी स्टार्टिंग की व्लॉग्स में थे, क्योंकि सरसावा हम मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब वो भी साथ में थे, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करते हैं। और आज हम लोगों का सीन कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे ताऊ जी, उसके बाद मैं आऊँगा। मतलब ऐसा एक सीन था कि दाऊ जी जाऊँगा, 4 बजे तक आएंगे, फिर मैं 4 बजे जाऊँगा अपने ट्यूशन में, एक पार्टी है वहाँ पे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर हमें क्लब जाएंगे रात को 12 बजे तक सेलिब्रेट करने। बट बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि हम लोग क्या बताऊँ, बस हम लोग अबे जल्दी बोलना, जो हमारी ट्रिप है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, पर डील नहीं कर सकते। अब हम लोग उठे ही 11:30 बजे, और अब हम लोगों ने सोचा है कि 2 बजे निकलेंगे, 4 बजे या शायद 3 बजे एक द्वार खोलते हैं, द्वार दाऊ जी के, वो करेंगे, और उसके बाद मैं आऊँगा। अगर टाइम से आ गया तो वहाँ चले जाऊँगा पार्टी में, वरना वहाँ नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट कर चले जाएंगे। फिलहाल अब यही सीन है। ये देखो भाई, 12 बज रहे हैं, अभी तक तीनों के तीनों सो रहे हैं। वो देखो, इन दो ये दोनों फोन लगे हैं। हेलो रक्षित जी। तो गाइस देखो, चाय के आते ही सब उठ गए, बस भैया रह गए हैं, बाकी सब उठ के चले गए। ये बस रक्षित भैया की कॉफी है, बाकी हमारी सबकी चाय है। बॉक्स दिखाऊंगी ना, मुझे दिखाऊं, मैं बॉक्स दिखाऊंगी। मैं देखो एक कैसा बंदा है, बॉडी बिल्डर कहते हैं अपने आप को, एक डिब्बा नहीं खुल रहा है। चीजें काट ले, क्या पागल हो गया है? डब्बा तोड़ेगा क्या? ये इंसान बहुत परेशान करता है। ये कौन खाता? तो गाइस ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस ये हम लोग खाते हैं तो बस मंगा लिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है एल्पिनो, अगर आप लोगों को प्रमोशन कराना है sponsor. तो फिर मेरे को मैसेज करें। स्पॉन्सर गाइस क्या देख रहे हो, खाओगे आओगे हो नहीं, पानी पिया सुबह से? गाइस ये पूरे दिन में एक गिलास पानी पीते हैं, अगले बियर गिल्स यही बनने वाले हैं। अबे तू बट मोटी तो है। घर में सस्ता थौर आ गया है, थौर अपना थौर दिखाओ। मान जाओ, मतलब कुछ भी दिखाओ 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 दिखाओ, जन्नत जन्नत कह रही हूँ लोगों को देखना। चलाओ सर। गाइस रेडी टू गो, ये पहना है मैंने, अभी शीशे में जाके दिखाऊंगा ढंग से। फिलहाल लेने जा रहा हूँ नाश्ते के लिए ब्रेड और बटर, वैसे ब्रंच ही हो रहा है। भैया गए हुए हैं इस टाइम मम्मी की फ्रेंड को लेने, वो भी हमारे साथ जाएंगे, और चलते हैं फटाफट से, भूख लग रही है बहुत तेज। क्या है विनीता आंटी, तुम खो गई? तो गाइस अभी फिलहाल मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी मम्मी की फ्रेंड और मम्मी के लिए। तो यार गाइस सीन कुछ ऐसे, हम लोग हो चुके हैं लेट बहुत ज़्यादा, तो शायद पता नहीं मैं अपनी ट्यूशन की पार्टी में जा पाऊँगा कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है। तो मैं अब आप लोगों से सीधा ताऊ जी में पहुँच के मिलता हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यार गाइस दाऊ जी तो पहुंच गए, बट काफी लेट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत तो हो रहा है भाई, यार गोबर पड़ा हुआ है। बच गया मैं, अभी गोबर में गिर जाता। तो यार गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है, मैंने और रक्षित भैया ने और भानु भैया ने तो दर्शन कर लिए हैं, बट अब सीधा 5:30 बजे खुलेंगे, अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी कुछ खाएंगे पहले। कैसा लगा? चलो खा के बताओ, हम तो खाते रहते हैं। गुड।
लगता है स्पाइसी। मिल जाए गाइस, देखो आज क्या सजा हुआ है भाई साहब। ठंड लग रही है, ठंडे हाथ लगा दिए। कोई बात नहीं, हम नंगी पुंगी लड़कियां देख लेंगे। क्या बोला तूने? कोई बात नहीं, हम नंगी पुंगी लड़कियां देख लेंगे। तो यार गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है कि लाइट जलानी पड़ेगी। ऐसा है, अरे यार बोलते हैं ये मुंह धो धा के चाहेंगे हम लोग सीधा पार्टी करने, क्योंकि ट्यूशन की तो खत्म हो गई, लेट हो गया, मैंने कॉल करके पूछ लिया। ओ भाई, तो गाइस देखो, ये यहाँ के पैसे और बाहर मस्त डांस चल रहा है, और अभी हम लोग डांस कर रहे थे, बट फिर हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद डांस करेंगे। पूजा हो चुकी है, अब जाके नाचेंगे और फिर पापा को लेने जाने, तो जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा, इसको देख देख के अच्छा। देखो गाइस, ये बाबू रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, देखिए गाइस इसकी मालिश हो रही है, ऐसे बोलेगी है कहाँ भी वो नानी। ओ, की सबसे बेस्ट टेस्टी पेस्ट्री खाएंगे। खा सकते, खा सकते हो। अभी हम नानी के घर आ गए हैं, ये बाबू, ये देखो हमारा बाबू परेशान हो रहा है आज। हाँ, बाबू कर रहा है। मखन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वन इटर्निटी लेटर। तो यार गाइस, आई एम सो सॉरी कि मतलब ये जो व्लॉग है न्यू ईयर की, मुझे जल्दी डाल देनी चाहिए थी, 3 तारीख तक तो डाल देनी चाहिए थी। आज हो गई है 14 और आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति एंड आई एम सो सॉरी। तो गाइस एक्चुअली ऐसा हो गया, 31st को मैंने व्लॉग बनाई और उससे एक दो दिन वाली डेट शीट आई थी, तो उसके बाद ट्यूशन में टेस्ट हो गए मेरे लगातार 3-3 घंटे वाले, तो मैंने एडिटिंग स्टार्ट तो कर दी थी बट वो पूरी नहीं हो पा रही थी, एक बारी में टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब जाके पूरी हुई है। तो मैं आज, मैंने सोचा आज मकर संक्रांति भी है तो आज डाल देता हूँ। वैसे कुछ लोग 15 को भी बना रहे हैं, हम भी 15 को बना रहे हैं, तो मैं आज व्लॉग डाल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। तो गाइज क्या बताऊँ, पिछले साल का सीन बहुत सही था, मतलब मैंने काफ़ी सारे व्लॉग डाली और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ कल, सॉरी पिछले साल। तो अब तो 14 दिन बीत चुके हैं इस नए साल के भी, और गाइज अभी 31st मार्च को मेरा आखिरी पेपर है, उसके बाद से 1st अप्रैल से मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या पक्की बात है, मैं डेली लाइव व्लॉगिंग चालू कर दूंगा, जो कि मेरा मेन कंटेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके अलावा गाइज, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए इस साल में, और वो लोग अभी तक 14 दिन बीत चुके हैं, आप लोगों ने फॉलो किए कि नहीं किए, सब कमेंट कर देना। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली व्लॉग में। बाय बाय।